जिन्हें नॉनस्टॉप एक्शन मूवीज देखना पसंद है। तो आज मैं लाया हूँ हॉलीवुड की टॉप नॉनस्टॉप एक्शन मूवी, जिन्हें देखने के बाद तुम्हारे अंदर का भी एक एक्शन सुपर हीरो जाग उठेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट के पहले नंबर पर आती है हमारी जॉन वी। ये फिल्म गन से लोडेड फिल्म है, यानी शुरू से एंड तक आपको गन्स फाइट और हैवी डेंजरस स्टंट्स देखने को मिलेगा। इसके लीड रोल में हमें केविन रिवीस देखने को मिलेंगे। बात करें स्टोरी की तो इसमें एक गैंगस्टर यूनिवर्स होता है, जहां पर जॉन विक नाम का एक गैंगस्टर होता है। वो ये सब काम छोड़ चुका होता है, लेकिन एक दिन उसके कुत्ते को किसी बड़े गैंगस्टर के बेटे ने मार देता है। नामक एक संस्था होती है जिसके नीचे वो सभी गैंगस्टर्स काम कर रहे होते हैं। वो जॉन विक को मारने के लिए अपनी फोर्स भेजने लगता है। दूसरे नंबर पर आती है द बीकीपर। इस फिल्म में फ्रॉड कॉल करके लोगों को कैसे लूटा जाता है, ये हमें दिखाया गया है, जिसकी वजह से एक बुढ़िया जो कि अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई फ्रॉड कॉल के कारण सारा पैसा खो देती है, जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेती है। अब इस बुढ़िया के साथ एक बीकीपर नाम का एक किसान रहता है। नाम का बीकीपर होता है, वो बीकीपर एक खुफिया संस्था का एक मेंबर होता है। तो बुढ़िया का बदला लेने के लिए उन सभी फ्रॉड कॉल सेंटर और उसके ओनर को मारने के लिए निकल पड़ता है, जिसके लिए वो वन मैन आर्मी की तरह काफ़ी ज़्यादा लोगों को मारता है। इसमें एक्शन आपको फिल्म में 10 मिनट के बाद नॉनस्टॉप देखने को मिलेगा। तीसरी फिल्म की बात करें तो वो है द ग्रे मैन। इस फिल्म में एक खुफिया संस्था होती है जो कि एक बंदे को भेजती है दुनिया भर के उन सभी बड़े लोगों के चिट्टा पिट्टा खोलने के लिए, यानी पकड़ने के लिए, जो कि एक पेन ड्राइव में होता है, वो भी एक बंदे के पास होता है। अब ये बात उन सभी बड़े लोगों को पता लगता है तो वो उस बंदे को पकड़ने और वो पेन ड्राइव हासिल करने के लिए मिस्टर को हायर करते हैं। अब इस फिल्म में विलन का रोल क्रिस इवांस यानी हमारे कैप्टन अमेरिका ने प्ले किया है। और हीरोज़ की बात करूँ तो इसमें रियान गोसलिंग और धनुष देखने को मिलेंगे। तो ये थी मेरी 3 नॉनस्टॉप। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।